मेरे मामा जी, बड़े मामा जी, इनको मैं बहुत मानता था, मतलब मेरे पिता तुल्य थे के, मतलब जितना मैं अपने फादर से इंप्रेस नहीं हुआ जीवन में, जितना मैंने अपने पिताजी से नहीं सीखा, उससे अधिक मैंने अपने बड़े मामा जी सीखा। बड़े मामा जी मेरे जो है बहुत ही इंप्रेसिव पर्सनालिटी थे, मतलब वो खुद भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे, वो बड़े विद्वान न्यायाधीश थे, वो उन्होंने कई सारे बड़े लैंडमार्क जजमेंट दिए, उन्होंने बड़े पॉपुलर आदमी थे। कोविड के दौरान उनकी डेथ हो गई, जब कोविड की सेकेंड लहर आई तब वो जो है उनको कोविड हुआ, 99% तक लंग इन्फेक्ट हो गए उनको, और तमाम सुविधाओं के बाद बचा नहीं पाए। उनके तीनों बच्चे डॉक्टर हैं, उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल से उन बच्चों के अपने खुद के सर्जन है, कोई कोई पीडियाट्रिक सर्जन है, कोई ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है इनके, और उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इतना लंग से, मतलब वो इतने हेल्दी थे कि मतलब यदि कोविड ना होता तो शायद 10-15 साल और जीवित रहते, वो 70 साल की उम्र रही होगी उनकी, एकदम फिट थे, मतलब 70 साल की उम्र में 50 साल के व्यक्ति से दिखा करते थे, एकदम फिट आते, बढ़िया बातें करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे। तुम मुझे बताया, बोला करते थे कई बार, वो जब मैं छोटा था ना तो मामा जी के घरों में हम लोग जो है वो जज थे, कहीं पोस्टेड थे तो उनका बड़ा बंगला हुआ करता था, हमारे पिताजी भी, मेरे पिताजी भी जज थे तो हमारा भी ठीक ठाक घर हुआ करता था, तो हम लोग गर्मी में की छुट्टियों में, उस समय क्या था, उस समय ना मोबाइल था, ना इंस्टाग्राम था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था, के जब छोटे बचपन थे तो सच में हमने बचपन में खेला हुआ है क्रिकेट, दिन भर भरी धूप में दिन भर क्रिकेट खेलते थे उनके, तो मामा जी के घर के सामने जाके वहाँ पे जो है वो बड़ा बंगला था, अच्छा बाहर जो है खेलने की जगह थी, क्रिकेट खेला करते थे, जाया करते थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग मामा जी मुझको उठा दिया करते थे और मुझसे बोलते थे कि बताएंगे अच्छी बातें ज्ञान की, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई उन्होंने मेरे जीवन में जिनका बड़ा फर्क पड़ा मेरे पे। बोलते थे देखो गोल्डी मास्टर, 20 में यदि अकल नहीं आई, 20 के पहले यदि अकल नहीं आई, 20 के पहले तुम यदि समझ नहीं पाए कि जीवन में तुम्हें क्या करना है तो तुम कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, उस समय मेरी उम्र रही होगी 8-10 साल, और 30 के पहले धन नहीं आया, 30 के पहले धन नहीं आया तो जीवन में धन अर्जित करने में बहुत दिक्कत होगी, ये पुराने लोग कह गए नियम, ऐसा बोला करते थे मेरे को, बीसा बुद्धि तीसा धन, ये रूल बोल, ये बात उन्होंने मुझे इतनी बार बोली कि मैं दिमाग में बैठ गई ये बात। फिर एक बात एक दिन बोलते हैं कि जिंदगी में कभी बड़ा आदमी बनना है ना तो पहला लाख रुपए जोड़ लेना बैंक के अंदर, बैंक के अंदर तुम पहला लाख रुपए जोड़ोगे उस समय की बात है कि पहला लाख रुपए जोड़ लिया तुमने तो मतलब तुम अब आगे निकल जाओ, क्योंकि पहली सेविंग ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो भी कमाते हो उसका 10% सेव जरूर करा करो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताया करो। तो 20 कहने का मतलब एक तो कभी कभी बातें निकलती लंबा चर्चा चलता, तो मैंने कहा जिंदगी से जुड़े मेरे कुछ किस्से हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरे जीवन को दिशा दिखाने में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ बेटा। मुझे लगता है कि जीवन में हम सब लोग है ना एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं, हम लोग यांत्रिक जीवन जी रहे कि ये करना है ये अचीव करना, नहीं, जीवन को मूल्यों से भरना है। अचीवमेंट तो सब पालेंगे बेटा, लेकिन उपलब्धियों के बावजूद आप अकेले ना रह जाए, उपलब्धियों के बावजूद आप अकेले ना रह जाए, इसलिए जीवन को आपको जो है वो मूल्यों से भरना है, वैल्यू इनपुट करना है, समाज में हम बेहतर योगदान दे पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कितना कमाया हमने वो कमाया हुआ सब यही छूट जाता है, लेकिन कितना हमें लोगों ने याद रखा, कितना याद किए, वो इंपॉर्टेंट।